अजय देवगन, तबू, परिणीति चोपड़ा, तुषार कपूर, अरशद वारसी और श्रेयस तलपड़े जैसी धांसू स्टार कास्ट वाली रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल अगेन की कमाई 300 करोड़ रुपए के पार जा चुकी है। अकेले भारत में इसने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। गोलमाल फ्रेंचाइज की इस चौथी फिल्म को वैसे तो समीक्षकों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी, लेकिन दर्शक दिल खोल कर इस फिल्म पर प्यार लुटा रहे हैं। फिल्म गोलमाल अगेन अजय देवगन के 48 साल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसके अलावा रोहित शेट्टी की यह दूसरी फिल्म है जिसने 200 करोड़ की दहलीज पार कर ली है। इससे पहले उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस ने ये कारनामा कर दिखाया था। फिल्म गोलमाल अगेन की झोली में हो रही पैसों की बरसात ने अजय देवगन और रोहित शेट्टी को बॉलीवुड की हिट एक्टर डायरेक्टर जोड़ी बनी दी है। इन दोनों ने मिलकर कम से कम 4 ऐसी फिल्में बनाई हैं जिसने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। 20 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म गोलमाल अगेन का सीधा मुकाबला आमिर खान की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार से हुआ, लेकिन आज आलम यह है कि आमिर की इस फिल्म का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा है। पहले ही दिन गोलमाल अगेन ने 30.14 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय कॉमेडी फिल्म बन गई है गोलमाल अगेन। फिल्म गोलमाल अगेन ने रिलीज के 4 दिन के अंदर देश में 100 करोड़ रुपए बटोर लिए थे। वहीं 4 हफ्ते पूरे होने से पहले ही 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। बाहुबली के बाद 200 क्लब में शामिल होने वाली यह दूसरी फिल्म बन चुकी है। इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में यह टॉप 10 हिंदी फिल्मों की फेहरिस्त में भी शुमार हो चुकी है।